Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. Today in this video I will explain you the topic noun. So students, as you all have known and you are aware of nouns. Nouns जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, nouns को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं और इसके बारे में आप लोगों ने बहुत पहले से ही पढ़ रखा होगा. तो nouns are those words which tell us the name of person, place, animal, feeling or thing, etc. तो nouns क्या हैं? वो शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध कराते हैं. तो nouns are the naming words of person, place, animal, thing or feeling. So nouns are naming words of person, place, animal, thing or feeling. ठीक है, तो noun क्या होता है? Naming words of person, place, animal or थिंग और फीलिंग. तो नाउन जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या किसी गुण का बोध करा रहे होंगे, किसी जानवर का नाम बता रहे होंगे, ये नाउन्स होते हैं. ठीक है, तो नाउन के 5 काइंड्स होते हैं. पहला काइंड है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा है मटेरियल नाउन. तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. प्रॉपर नाउन जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. सेकेंड इज कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा. तीसरा है कलेक्टिव नाउन यानी कि समुदाय या समूहवाचक संज्ञा. फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा. और फिफ्थ मटीरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा. सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. दीज आर प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. ओके, लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स, दो यू कैन रिमेंबर द नाउन वर्ड्स. दीज आर कानपुर, अमन, द बाइबल, happiness, pencil, etc. तो आपने देखा कि मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो नाउन के बारे में बता रहे हैं. नाउन क्या था? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या फीलिंग का नेम्स. तो देखिए प्लेसेस के नेम्स कौन कौन से हो गए? कानपुर, ठीक है, एनिमल का नेम, सॉरी पर्सन का नेम अमन, या हम एनिमल का नेम अगर बोलें तो लॉयन, टाइगर, जिराफ. थिंग यानी बुक, तो बुक का नेम यहाँ पर लिखा हुआ है द बाइबल, ठीक है, जो कि क्रिश्चियंस की होली बुक है. फिर थिंग में पेंसिल और फीलिंग हैप्पीनेस, ठीक है. अब हम काइंड्स ऑफ नाउन में पहले नाम की बात करते हैं जो है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन शोज द नेम ऑफ, प्रॉपर नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस. जैसे अगर हम पर्सन्स की बात करें तो लॉर्ड कृष्णा, महात्मा गांधी,
सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, राहुल, मिस्टर गुप्ता, ये सब क्या हैं पर्संस के नेम। अगर हम प्लेसेस की बात करें तो कानपुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पार्क वन स्ट्रीट, ये सब क्या हैं प्लेसेस के नाम हैं, ठीक है, थीके? या ताजमहल, ये सब प्लेसेस के नाम हैं, मॉन्यूमेंट्स के नेम हैं। फिर अगर हम बात करें थिंग्स के नेम, तो डॉम्स की पेंसिल, रेड चीफ के शूज, ये सब आपके थिंग्स हैं, ठीक है। और अगर आप अपने एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के नेम आप रखते हैं, जैसे कि डॉग का ब्रूनो, मोती, गाय का गौरी, है ना, और धेनु। तो इस तरह से ये प्रॉपर नाउंस में आ जाते हैं। फिर आता है कॉमन नाउंस। कॉमन नाउंस आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग टू विच दे टू विच दे बिलोंग टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप और क्लास और डिविजन। तो कॉमन नाउंस क्या हैं, जातिवाचक संज्ञाएं, यानी कि दोज एनिमल्स, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग हु बिलोंग टू अ सर्टेन ग्रुप, काइंड और डिवीजन इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में एनिमल की बात की जाएगी, या उस थिंग की, या पर्सन या प्लेस की बात की जाएगी जिस क्लास से या ग्रुप से वो डिवीजन से बिलोंग करता है। जैसे पर्सन्स में अ मैन एंड वुमेन, ही कैन बी स्टूडेंट, ही कैन बी अ टीचर, है ना। जैसे कि मैन की अगर बात करें तो आदमी क्या हो सकता है, मैन भी है, टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, फादर भी है, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड फादर भी है, सन है, डॉक्टर है। एनिमल्स में अगर आप बात करें तो लॉयन, टाइगर। इंसेक्ट्स में ग्रास हॉपर, बटरफ्लाई। बर्ड्स में पिकॉक, कॉक, डक, ये सब कॉमन नाउन में ही आ जाता है। थिंग्स में अगर आप बात करें तो फॉर्क, स्पून, प्लेट, कप, सॉसर, ये सब आपका कॉमन नाउंस में आ जाता है। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउंस की। कलेक्टिव नाउंस को हम हिंदी में समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दीज नेम्स शो द कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसे कि अगर हम बहुत सारे फ्लावर्स को लेते हैं तो वो बन जाता है बुकी ऑफ फ्लावर्स। बहुत सारी कीज हैं तो क्या बोलेंगे, बंच ऑफ कीज। अगर बहुत सारी फिशेज है तो एन एक्वेरियम ऑफ फिश या अ स्कूल ऑफ फिशेज, ठीक है। अब फोर्थ काइंड होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञाएं। तो दीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन शोज द इनर फीलिंग्स, इनर इमोशंस, इनर क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन शोज द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द क्वालिटीज। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज वर्ड्स विच कैन बी फेल्ट बाय अ ह्यूमन बींग्स इनर सोल बट कांट बी सीन और टस्ट। तो इन्हें हम छू या देख नहीं सकते हैं, इन्हें हम महसूस करते हैं। जैसे और इनको हम कैसे बनाते हैं, हाउ कैन वी फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बाय यूजिंग सफिक्सेस। अगर आप किसी भी सर्टेन वर्ड में सफिक्स जोड़ देते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस बन गया, फ्री प्लस डम, फ्रीडम, ठीक है। एंशियस, आई टी वाई जोड़ दे तो एंशाइटी, ठीक है, एंजाइटी। तो इस तरह से ये वर्ड्स बन जाते हैं। तो जैसे हरियाली यानी ग्रीनरी, तो आप महसूस कर पाते हैं आसपास आपके ग्रीनरी है, ठीक, आप बहुत खुश हैं, तो हैप्पीनेस, खुशी आपको हो रही है, पर आप उसको महसूस करते देख या छू नहीं पाते हैं। फिर लास्ट में आपका आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं, द सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर और मेक गुड्स, यानी कि वो चीज़ें या पदार्थ जिनसे आप वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे खीर बनाने के लिए आप राइस का यूज़ करते हैं, मिल्क, वाटर, शुगर का यूज़ करते हैं। फर्नीचर के लिए आप आयरन नेल्स का और वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूटेंसिल्स में स्टील यूज़ होता है, आप जो कपड़े पहने हुए हैं उसमें बटन्स जो हैं वो प्लास्टिक के हैं। वूलन भी हो सकती है, पॉलिएस्टर की भी हो सकती है, कॉटन की भी हो सकती है। तो ये सब क्या है, मटेरियल्स हैं, ठीक है। सो मटेरियल नाउन आर दो सब्सटेंसेस विच हेल्प्स अस टू मेक गुड्स और थिंग्स, ठीक है। सो दीज आर द फाइव टाइप्स ऑफ या फाइव काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। मैंने आपको आज
ये पांच काइंड्स बताए हैं और नाउन्स के बारे में बताया है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द टॉपिक नाउन एंड यू आर इजली गेटिंग इट सो दैट यू कैन इजली परफॉर्म वेल इन योर सिलेबस व्हेन आई विल आस्क यू और गिव यू सम रिविजन शीट्स। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ नाउन्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी ऑफ द point or any topic, you can ask me in the upcoming Google class. Thanks for watching this video. Have a nice day, students, and wish you all a very happy Earth Day, because 22nd April is observed as Earth Day. Okay, so wish you all a very happy Earth Day, and you should take preventive measures and plant more and more trees to conserve your Mother Earth. Have a nice day, students.